राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राज्य सरकार के प्रवासी श्रमिकों, स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों और अन्य लोगों के अपने घर जाने पर रेल और बस का किराया सरकार के वहन करने के निर्णय का स्वागत किया है। शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संदर्भ में आदेश जारी कर चुके हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी ये निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कुछ नेता इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि श्रमिकों से कोई किराया नहीं वसूला जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार इस विषय में 1 मई को आदेश में साफ कर चुकी है कि श्रमिकों को किराया देना होगा। अब बीजेपी कार्यकर्ता अपनी खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। लगभग 100 मिलियन लोग जो सड़कों पर आ गए, अब उनके बारे में क्या विचार किया जाए, कैसे वो अपने घरों तक पहुंचेंगे? और जब ये समस्या इतनी विकराल हुई कि इनके 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक पैदल चलने की यातनापूर्ण जो घटनाएं थी, उनको वैश्विक पटल पर हमें उसके कारण खामी उठानी पड़ी या हमारी छवि को धूमिल होना पड़ा, तब जाकर के केंद्र सरकार एक्टिव हुई। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी से VC में इस चीज को उठा करके स्पष्ट किया था कि इन्हें गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे में एक बिलेटेड डिसीजन हुआ, और डिसीजन भी जब हुआ तो उससे पहले 14 अप्रैल को ही रेलवे ने टिकट बुकिंग की शुरुआत कर दी, जो बांद्रा स्टेशन पे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। वहां जाकर माइग्रेंट लेबर जो है उन्होंने वहां पर उनकी भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसके बाद अब देखिए, जब माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस जन इनका टिकट का जो खर्चा है उसे उठाएंगी कांग्रेस इकाइयां, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने शो किया है कि उनका एक सर्कुलर जारी हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि रेल